टाटा वर्सेस अडानी। भारत युवाओं का देश है, यहाँ की धरती पर 75 करोड़ युवा रहते हैं। इन युवाओं को रोजगार देने के लिए देश में बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियां हैं और इन्हीं बड़ी कंपनियों के मालिक विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। अंबानी से लेकर अडानी तक की गिनती दुनिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में होती है। देश के दो बड़े उद्योगपति ग्रुप टाटा ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच एक प्रोजेक्ट को लेकर विवाद चल रहा था। इस प्रोजेक्ट का नाम महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन प्रोजेक्ट है। आइए जानते हैं विवाद के बारे में। विश्व में टाटा ग्रुप की पहचान ही अलग है। नमक से लेकर टाटा ग्रुप एरोप्लेन तक बनाता है। आज देश में टाटा ग्रुप के द्वारा काफी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। टाटा ग्रुप के पास 96 कंपनियां हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर में हैं। इनका सालाना रेवेन्यू 103 बिलियन डॉलर से अधिक है। टाटा ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और यह अपनी कमाई का 70% सेवा के लिए देता है। वहीं अडानी ग्रुप की बात की जाए तो अडानी ग्रुप भी टाटा ग्रुप की तरह विश्व में फैला हुआ है। इसकी 7 कंपनियां हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में फैली हुई है। अडानी ग्रुप कोयला खनन और पावर लॉजिस्टिक, रियल स्टेट, एग्रो प्रोडक्ट और गैस ऑयल जैसी फील्ड में फैला हुआ। अडानी ग्रुप का सालाना 2000 करोड़ का टर्नओवर है। टाटा ग्रुप और अडानी ग्रुप दोनों ही अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर इनमें जंग छिड़ गई। यह महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन प्रोजेक्ट है और इसका रेवेन्यू 7000 करोड़ रुपए का है। टाटा पावर ने बिना बोली लगाए महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन MARC द्वारा अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर AMIL को वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन दिए जाने के खिलाफ आपतेल का रुख किया था। अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ने टाटा पावर द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही अडानी पवार को नामांकन के आधार पर 7000 करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन अनुबंध देने के महाराष्ट्र बिजली नियामक के फैसले को बरकरार रखा है।